नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज में। दोस्तों, व्हाट्सएप की पॉलिसी अपडेट कंपनी के लिए मुसीबत बन गई है। व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी में कहा था कि वह यूजर का डाटा को फेसबुक सहित अपनी पेरेंट कंपनी के साथ में शेयर करेगी। इसी को लेकर अब भारतीय यूजर व्हाट्सएप से दूरी बना रहे हैं और ये दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में किए गए एक सर्वे में पता चला है कि केवल भारत के 18% यूजर ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। वहीं 36% यूजर ने तो ऐसी संभावना जताई है कि व्हाट्सएप के यूजर्स को काफी हद तक कम कर देंगे अपनी लाइफ में। इसके अलावा 15% यूजर ने प्राइवेसी विवाद के बीच व्हाट्सएप को पूरी तरह से बंद करने की संभावना जताई है। व्हाट्सएप ने पहले अपनी पॉलिसी रिव्यू के लिए लोगों को 8 फरवरी का वक्त दिया था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने बढ़ते विवाद को देख करके इसकी डेट 15 मई तक बढ़ा दी है। कंपनी का कहना था कि जो लोग तय समय तक पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनका अकाउंट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इस पॉलिसी अपडेट के बाद व्हाट्सएप के विकल्प के तौर पर सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐप्स को काफी लाखों लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, लेकिन सिग्नल और टेलीग्राम दोनों ही यूजर के लिए उतने सुरक्षित नहीं लगते हैं। हालांकि इन दोनों का डाटा भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। वहीं व्हाट्सएप के द्वारा किया जा रहा यूरोप और अन्य देशों के बीच में भेदभाव भी हमें समझ में नहीं आता है, और ये एक तरह से व्हाट्सएप के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। व्हाट्सएप पर किए गए सर्वे में 24,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक रिपोर्ट के जरिए ये खुलासा हुआ है कि 24% यूजर ने जानकारी दी है कि वह दूसरे इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर स्विच करने की योजना बना रहे हैं। वहीं 90% यूजर का ये मानना है कि वह व्हाट्सएप के पेमेंट फीचर का इस्तेमाल कतई भी नहीं करेंगे। इन लोगों का अंदेशा है कि व्हाट्सएप का पेमेंट और ट्रांजेक्शन रिलेटेड डाटा पेरेंट कंपनी फेसबुक और दूसरी थर्ड पार्टी कंपनीज के बीच में व्हाट्सएप शेयर कर सकता है। हालांकि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी अपडेट की डेडलाइन को फरवरी से बढ़ा करके 15 मई कर दिया है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सिग्नल और टेलीग्राम को 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में 13 लाख से ज्यादा डाउनलोड मिले हैं। सिग्नल की ग्रोथ इस दौरान 9,483% रही, वहीं टेलीग्राम की ग्रोथ 15% ही रही। इसका एक कारण यह भी है कि सिग्नल काफी हद तक व्हाट्सएप की तरह ही है, मतलब उसके फीचर व्हाट्सएप से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। वहीं 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में व्हाट्सएप की डाउनलोड ग्रोथ में 35% की भारी गिरावट आई थी। लेकिन दोस्तों, अब व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए अपने ग्राहकों को अपनी सफाई पेश कर रहा है। दोस्तों, फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के ऊपर सवालों के पहाड़ टूट पड़े हैं। लोगों का मानना है कि अब व्हाट्सएप फेसबुक को यूजर का पहले से ज्यादा निजी डाटा शेयर करेगा। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में लाखों की संख्या में लोगों ने सिग्नल और टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में लोगों के पलायन को देखते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने कई बयान रिलीज करे, और यहां तक कि खुद के प्लेटफॉर्म पर स्टेटस का फीचर का इस्तेमाल करते हुए यूजर को नई पॉलिसी को लेकर के सफाई भी दी है। अब यदि आप भी कंफ्यूजन में हैं कि नया इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कितना सुरक्षित है, तो हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं जिसके बाद आपको इसको इस्तेमाल करना है या फिर नहीं करना है, ये फैसला आपको करना है। दोस्तों, व्हाट्सएप का कहना है कि वो यूजर के व्यक्तिगत मैसेज को नहीं देख सकते या उनकी कॉल को नहीं सुन सकते, और न ही फेसबुक ऐसा कर सकता है। व्हाट्सएप का कहना है कि आप जो भी साझा करते हैं वो आपके बीच में ही रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके व्यक्तिगत मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, यानी कि आपके सभी मैसेजेस सुरक्षित हैं। व्हाट्सएप ने वादा भी किया है कि हम इस सुरक्षा को कभी कमजोर नहीं होने देंगे और हम स्पष्ट रूप से प्रत्येक चैट को लेबल करते हैं ताकि आप हमारी प्रतिबद्धता को जान सके। दूसरे पॉइंट पर व्हाट्सएप ने सफाई दी है कि यूजर के द्वारा अन्य यूजर को किए जाने वाले मैसेज और कॉल का लॉग एकत्र नहीं करते हैं, यानी कि उनके डाटा को एकत्रित नहीं किया जाता है। उनका कहना है कि ये जानकारियां टेलीकॉम कंपनियां एकत्रित करती हैं, लेकिन व्हाट्सएप का मानना है कि 2 अरब लोगों का डाटा रखने में प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए वे ऐसा कभी नहीं कर सकते।
तीसरे पॉइंट में व्हाट्सएप कहता है कि हम आपकी शेयर्ड लोकेशन कभी भी नहीं देख सकते और न ही फेसबुक ऐसा कर सकता है। जब आप व्हाट्सएप पर किसी के साथ अपनी लोकेशन साझा करते हैं तो आपकी लोकेशन एंड टू एंड इनक्रिप्टेड द्वारा सुरक्षित होती है, जिसका मतलब है कि आपकी लोकेशन को आप और जिसे आपने भेजा है वो ही व्यक्ति देख सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप का कहना है कि हम आपके कंटेंट को फेसबुक के साथ साझा नहीं करते हैं। जब आप हमें एक्सेस देते हैं तो हम आपके फ़ोन बुक के केवल फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं और हम अन्य फेसबुक ऐप के साथ आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट साझा करते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हम ग्रुप मेंबरशिप का इस्तेमाल मैसेज भेजने और हमारी सर्विसेज को स्पैम से बचाने के लिए करते हैं। हम इस डाटा को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए फेसबुक के साथ साझा नहीं करते हैं। ये व्यक्तिगत चैट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है ताकि हम उनके कंटेंट को ना देख सकें। दोस्तों, व्हाट्सएप ने आखिर में सुझाव भी दिए हैं, जहां व्हाट्सएप का कहना है कि यूज़र उनके मैसेज को डिसअपीयर सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फीचर आपके द्वारा भेजे गए मैसेज को एक तय सीमा खत्म होते ही अपने आप डिलीट कर देता है। इसके अलावा यूजर को सुझाव दिया गया है कि वे अपना डाटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे यूजर देख सकता है कि उसका कौन सा डाटा व्हाट्सएप के पास है। दोस्तों, व्हाट्सएप का कहना है कि ये बदलाव बिजनेस अकाउंट के लिए किए गए हैं। दोस्तों, FAQ पर कंपनी ने लिखा है कि हम उन 175 मिलियन लोगों को बेहतर सपोर्ट देने के लिए काम कर रहे हैं जो हर दिन एक बिजनेस अकाउंट को मैसेज करते हैं। ये अपडेट वैकल्पिक बिजनेस फीचर से संबंधित है, जिसके जरिए हम बिजनेस के साथ संचार को पहले से ज्यादा सुरक्षित और बेहतर आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी व्हाट्सएप की नई अपडेटेड पॉलिसी के बारे में। इस जानकारी के बाद आपको व्हाट्सएप पर रहना है या फिर नहीं रहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आप व्हाट्सएप की पॉलिसी को पूरी तरह से समझ पाए हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ दबाइए बेल वाला आइकन ताकि आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।